हेलो दोस्तों, आपने जो है SADP टूल को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक एरर आ रहा है, MSVCR120.dll फाइल इज मिसिंग करके आपको एक एरर आ रहा है। तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या करना है आपको, ये वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा स्किप मत कीजिए, लाइक करें मेरे वीडियोस को। जैसे ही हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आते हैं, हमें क्रोम ब्राउजर ओपन कर दे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में ऊपर की तरफ में मैं एक लिंक को जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप जो है डायरेक्टली अगर सर्च करेंगे उस लिंक के ऊपर तो ए पेज के ऊपर आ जाए। इस पेज के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पे जो है SADP टूल EXE दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें जो है इसे डाउनलोड करना है। यानी कि राइट साइड में जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसे क्लिक करते ही आपके सामने जो है कहाँ पे फोल्डर डाउनलोड करना है उसे सिलेक्ट करना। मैं यहाँ से डाउनलोड इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में मेरा डाउनलोड होना चाहिए, यहाँ से सेव कर देता हूँ। आप वहाँ पे अपना अपना फोल्डर सिलेक्ट करके जहाँ पे आपको डाउनलोड चाहिए ये फाइल, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद में हमें नीचे यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यूज़र कंट्रोल का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद में हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है वो एक ही यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है इंग्लिश की, यहाँ पे चाइनीज़ दी हुई है, तो हम लोग यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है कहाँ पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए ये हमें यहाँ से इसका फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला, तो यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, तो उस तरह से आप करेंगे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी इसको इंस्टॉलेशन करने में। यहाँ पे जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमें क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन के ऊपर क्लिक रखना चाहिए, यानी कि टिक रखना चाहिए। जैसे हम लोग टिक रखेंगे हमारे वहाँ पे एक डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन क्रिएट हो जाता है। हम जैसे ही डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे तो हम वहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में रन द एप्लीकेशन यहाँ पे टिक मार्क रहना चाहिए, तभी हमारा जो है फिनिश करने के बाद में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है SADP टूल के अंदर अपडेट आया है या नहीं, इसको यहाँ से अनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद में हमारा जो है SADP टूल यहाँ से ओपन हो चुका है। अगर आपको इसका पासवर्ड रीसेट करना है किसी भी IP कैमरे का या NVR का, तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। अगर आपको SADP टूल के अंदर डिवाइस को अनबाइंड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो ये वीडियो के थ्रू आप टोटल ही जान जाएंगे। तो मेरे ऐसे ही वीडियोज देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।